हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस में। राइट में अगर आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये है ललित होटल, जो कि एक 5-स्टार होटल है कनॉट प्लेस में। एंड ये जो रोड है जिस पे अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, ये रामलीला मैदान से आती है बाराखंबा रोड की तरफ। बाराखंबा रोड से हम राइट लेंगे और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल की तरफ जाएंगे। यहाँ पर लेफ्ट में मॉडर्न स्कूल भी है, जो कि 1935 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। यहाँ से हम राइट जाएंगे, ये बैरिकेड्स है। सामने जो आपको ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही है, वो है हंस होटल, अगेन अ 5-स्टार होटल। एंड यहाँ से जो रोड शुरू हो जाएगी राइट की तरफ, इसका एक बहुत ही अनयूजुअल सा नाम है, बाराखंबा रोड। लेफ्ट में चले जाएंगे तो आप मंडी हाउस चले जाएंगे इसी रोड पर, राइट में कनॉट प्लेस की तरफ। इस रोड का इतना अनयूजुअल सा नाम रखने का रीजन ये है कि अराउंड लाइक 13th century में निजामुद्दीन की साइड में कोई एक इमारत थी जो कि 12 खंभों से बनाई गई थी। उस इमारत की वजह से इस पूरी रोड का नाम बाराखंबा रोड रखा गया। एंड ये जो अभी आपको दिख रहा है लेफ्ट में राइट में, ये सारा ऑफिशियल स्पेस है। एंड ये जो ऑफिशियल स्पेस है, इसे कहा जाता है कि इंडिया का सबसे कॉस्टली रेंट यहीं पर है कनॉट प्लेस में। अगर आप यहाँ मेट्रो से भी आना चाहते हैं तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। लेफ्ट में आपने देखा हुआ ब्लू कलर का बाराखंबा रोड का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर। एंड राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन तो है ही, जो कि एक हब है दिल्ली मेट्रो का, जो कि कनॉट प्लेस में आता है। एंड जो सामने आपको ये बिल्डिंग दिखने लग गई है, ये है कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस एक मार्केट एरिया है, इसको 1932 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। उस वक्त ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड कनॉट प्लेस जैसी काफ़ी सारी इमारतों का कंस्ट्रक्शन किया था। ये काफ़ी रोमन आर्किटेक्चर में बनाई गई हैं। सामने जो आपको रेड और ग्लास में बिल्डिंग दिख रही है, वो है LIC की आइकॉनिक बिल्डिंग। एंड यहां से हम CPE इनर सर्कल पे जा रहे हैं। लेफ्ट में यहाँ पर राजीव चौक, पालिका बाजार आ जाता है। यहाँ पर अगर आप वैसे ही देखने आते हैं तो यहाँ पे जनपथ मार्केट भी है, जो कि कपड़ों की मार्केट है। पालिका बाजार, जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्लस क्लॉथ्स की मार्केट है। यहाँ पे सेंट्रल पार्क भी है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। दिल्ली की बिल्कुल एक तरीके से कोर जगह है ये। कनॉट प्लेस को कॉमनवेल्थ गेम्स के आसपास में रीडेवलप और रिनोवेट किया गया था। यहाँ की जो बिल्डिंग्स थी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, इन्हें दोबारा से कलर किया गया, इस जगह को फिर से रीडिज़ाइन किया गया। एंड अब काफ़ी ज़्यादा ये ओपन एरिया लगता है। राइट में यहाँ पे सेंट्रल पार्क भी है, जो कि एक पूरा ग्रीन एरिया है।
अभी हम ठीक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हैं और सामने जो आपको एक ये बिल्डिंग नज़र आ रही है वो गोपालदास बिल्डिंग है एंड उसी के साथ में स्टेट्समैन की भी बिल्डिंग है जो कि एक ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये जगह मॉर्निंग में 10:30 से 11 के बीच में खुल जाती है और रात को 10:30-11 अगेन बंद होती है। यहाँ पर आपको सारी बेहतरीन ब्रांड्स के शोरूम्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पब्स भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन हैं एंड यहाँ पर जो नाइट लाइफ है वो भी काफ़ी हैपनिंग है। सो इसीलिए ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दिल्ली का और सबसे पॉपुलर एरिया है। और जब से इसे रिनोवेट किया गया है तब से इसका जो लुक है और जो इसका फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है, काफ़ी वेल मैनेज्ड है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।